हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। सो ये सोल टूर्नामेंट से रिलेटेड वीडियो नहीं है, एक कुछ तो सीरियस मैटर पे है, जहाँ पे कोई तो एक बंदा है, ये शिवांग सिंह करके है, ये गॉब्लिन का लाइक चैट वैट लीक का कर रहा है, एंड जो कि टोटली फेक है। एंड वो फेक कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ, पर ये चैट देख लो, लाइक क्या ही बंदा है ये, हेट देने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं लोग। अगर इतना ही रियल है तो भाई तू अपना रियल ये लगाना फेस, अगर तो इतना ही रियल है तो इसका पोस्ट देखो, कुछ भी पोस्ट नहीं है, क्या है ये। एंड ये चैट देख लो, टोटली फेक है, मैं आपको वो फेक कैसे ये बताता हूँ मैं, चलिए आप ये देख लो, बस हेट देने के लिए और कुछ। और ये फेक कैसे है आप ये देख लो, दिस वीडियो रिकॉर्डेड बाय द एक्स पर्सन इज फेक बिकॉज इफ यू सी द वीडियो वैन ही स्क्रोल डाउन देर इज अ स्टोरी मैंशन टू गॉबलिन विद अ पीक वेर जॉनी इज गेटिंग एम वी पी ट्रॉफी विच जस्ट हैपन यस्टरडे एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन यस्टरडे गॉबलिन इंस्टा फॉलोअर वेर नियरली नियरली अराउंड 270K एंड नॉट 23K विच इज शोन वैन दिस पर्सन ओपन द प्रोफाइल प्लस वन मोर पॉइंट वैन दिस एक्स पर्सन ओपन द प्रोफाइल देर यू सी अ कैमरा आइकन लोगो इंस्टेड ऑफ ऑल द पोस्ट दिस आइकन इज ऑनली सीन एन यूजर हैज नो पोस्ट ऑन हिज अकाउंट। तो यही था कल गॉबलिन के लाइक 260 वेर नियरली अराउंड 270K फॉलोवर थे, ना कि 263K, जैसा कि आप इधर देख सकते हो। तब इसने ओपन किया था गॉबलिन का ये अकाउंट, इधर देखो 263K, और लेकिन 263K था नहीं, नियरली अराउंड 270K, मतलब 270K पकड़ लो, 270K था, 263K था नहीं। तो आप खुद ही समझ जाओ ये फेक है, बस हेट देने के लिए बनाया है वीडियो। अगर आपको लगता है ये रियल है तो आप ये देख लो, एक मिनट, वेट अ मिनट, हाँ ये रहा, वेट करो। एंड ये सोल के सपोर्टर है, तो ये फेक कैसे आप ये खुद देख लो, इधर भी चैट लीक हो गया है, एंड किसका हुआ है वो आप देख सकते हो। ये भी रियल है, मतलब समझ रहे हो ना, सब फेक है ये सब। और ये रहा जोनाथन का चैट लीक हुआ है, देख लो ये भी रियल है, रियल जोनाथन है, देख लो ब्लू टी के इधर। तो आप समझ जाओ ये सब फेक है, ये सब पे बिलीव मत करना कोई, किसका भी अगर चैट लीक कर रहा है, वो चाहे जोनाथन हो या चाहे गॉबलिन हो या किसी का भी, कौन सा भी प्लेयर का अगर चैट लीक हो रहा है तो समझ जाओ वो फेक है, ऑल एडिटेड है ये सब। ये सब पे बिलीव मत करना।